Vivo की X100 सीरीज लॉन्च हो गई है, जो कि Vivo की एक फ्लैगशिप सीरीज है। और हर साल Vivo अपने कैमरास और परफॉर्मेंस में नेक्स्ट लेवल अपग्रेड लेके आता है। अब जितने भी आप फ्लैगशिप फोन देखोगे, उनके अंदर सबके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कैमरास अच्छे ही होते हैं, मतलब इतना खराब नहीं होता है कि आप उसको कंसिडर ही ना करो। लेकिन पता तब चलता है जब उसके साथ एक बेटर कॉम्पिटिटर या फिर उसको एकदम टक्कर देने वाला कॉम्पिटिटर पास में खड़ा। और आज इसी Vivo X100 को हम कंपेयर करेंगे इस iPhone 15 के साथ। अब दोनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंस है, एक iOS है तो दूसरा Android, और दोनों ही लेटेस्ट। तो दोनों के कुछ इस तरीके के बॉक्सेस हमको मिलते हैं। iPhone का बहुत छोटा सा बॉक्स है और Vivo X100 Pro का बहुत बड़ा सा। दोनों को साइड बाय साइड खोलता हूँ। iPhone सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। ओ भाई, iPhone की लुक एंड फील भाई, मतलब एकदम दिल को छू जाने वाली है। और वहीं ये, ओ भाई क्या कैमरा दिया है, नाइस। इसको साइड में रखता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करने में मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें। एक टाइप C2C केबल मिली है, काफी मोटी सी है, और साथ ही में 120 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक के साथ ही कवर। और कवर की क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा मस्त है। टेक्सचर्ड ब्लैक कवर है ये, और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और एक सिम इंजेक्टर सुई, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आईफोन में मिलती है एक टाइप C2C केबल, इसके अंदर ब्रेडेड नहीं आती, प्रो के अंदर आती है, एंड एक सिम इंजेक्टर पिन ऑब्वियसली, एंड दैट्स ऑल। एंड नाउ इनको नग्न अवस्था में लेके आते। ओए होए होए, ओ भाई, आजकल के फोनों में ज्यादातर चेंजेस नहीं आते हैं, मतलब जो पिछली वाली सीरीज थी ऑलमोस्ट वैसी ही मिलती है, बट स्टिल यार ये बहुत बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। और हाँ, ये अपने आप में आइकॉनिक डिजाइन है ही। दोनों के अंदर ही ये मैट ग्लास फिनिश है, थोड़ा Vivo के अंदर ज्यादा मैटी देखने को मिलता है। और ये ऐतिहासिक कैमरा फ्रेमिंग भी, मतलब ऐसा ही देखने को मिलता है हर बार। और सेम इसके अंदर भी वही ऐतिहासिक फ्रेम है जो हमको पिछले 3-4 सालों से सेम मिल रही है। आईफोन की बैक फिनिश काफी सटल सी है, इसके अंदर कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है सिवाय एक एप्पल लोगों के, और ये भाई देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। वहीं Vivo के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कैमरा के सर्कल रिंग पे तो बहुत सारी चीजें हैं, जाइस की ब्रांडिंग है, और ये कंपनी डेडिकेटली कैमरास ही बनाती है, और Vivo इसके साथ टाई अप करता है अपने कैमरास को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। एक्सट्रीम इमेजिनेशन Vivo। अब दोनों के अलग अलग डिजाइन है और दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के फोन है, तो दोनों में प्रोटेक्शन भी नेक्स्ट लेवल आती है, तो दोनों को ही एक साथ गिरा। ओ भाई, और शायद इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिस्प्ले की साइड भी एक बार हो जाए एब्सोल्युटली फाइन, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ही फोन एल्यूमिनियम फ्रेम्स को लेके आते हैं, लेकिन आईफोन की फ्रेम थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि ये छोटा है, और छोटा होने की वजह से आपको इन हैंड फील, ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। जब आप पब्लिकली भी कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो एक हाथ से इसको यूज करना बहुत ईजी है। वहीं Vivo का फोन बड़ा है, ये सिंगल हैंड आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, बट स्टिल इसकी भी फ्रेमिंग काफी अच्छी है, लेकिन एज कम्पेयर टू आईफोन, आईफोन की ज्यादा बेटर। और आईफोन की इन हैंड फील इसलिए इतनी ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये काफी हैंडी और काफी हल्का है, जैसे इसका वेट 171 ग्राम का है, वहीं Vivo X100 Pro का 225 ग्राम का है, मतलब दोनों ही फोनों का जो वेट डिफरेंस है वो 54 ग्राम का है, और एक फोन के हिसाब से ये काफी बड़ा डिफरेंस है। दोनों में ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दोनों में ही टाइप सी भी है। भाई थैंकफुली हम ये चीज बोल पा रहे हैं कि आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड, दोनों एक से ही चार्ज कर पाओगे। और साथ ही में इन फोनों के अंदर एक एक एडवांटेज है। Vivo के फोन में आपको IR ब्लास्टर मिलता है, जिसकी वजह से आप इसको AC वगैरह का रिमोट बना के यूज कर सकते हो, और आईफोन के अंदर अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जो आपको किसी भी और फोन के अंदर नहीं मिलता, ये भी अपने आप में बहुत कमाल की चीज है। और दोनों ही फोन एक फ्लैगशिप फोन है, तो दोनों में प्रोटेक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मिलती है। जल्दी जल्दी ले आ, मतलब दोनों ही फोन IP68 रेटेड हैं, इनको इतनी ठंडी में भी रोज नहला लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Yeah. बाथिंग टाइम गाइस, नाई नाई कर लो। डिस्प्ले भी दोनों की ही बहुत अलग है, इसके अंदर 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR फ्लैट OLED डिस्प्ले, और वहीं Vivo के अंदर 6.78 इंचेस की LTPO OLED कर्व्ड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट। और इस बार इस iPhone 15 के अंदर भी डायनेमिक आइलैंड है, मतलब अगर आप इसको म्यूट करने जा रहे हो, रिंग मोड में करने जा रहे हो, स्विगी जोमेटो ओला उबर कहीं से कुछ भी आपने ऑर्डर किया है तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। इवन आप म्यूजिक भी चला के बैठे हो तो आपको ऊपर की तरफ एक शानदार सा पॉपअप मिलेगा जो बहुत यूनिक लगता है। वहीं Vivo की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, इसके अंदर 3000 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस मिलती है, और ये चीज दिखती भी है। और ये भी iOS सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले को लेके आता है, और वो है 2000 मैक्स नीट्स। लेकिन दोनों की डिस्प्ले जब आप इंडोर आउटडोर कहीं भी हार्श लाइटिंग में यूज करो, कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, दोनों की ही इनफ ब्राइट है। लेकिन Vivo के अंदर ये छोटा सा पंच होल है जो आपको एडवांटेज उस वक्त नहीं देगा जब आप नोटिफिकेशन वगैरह देख रहे होगे, लेकिन जब आप कंटेंट देख रहे होगे तब
आपको इसका मेन फायदा होगा कि आपको पूरी एच टू एच डिस्प्ले दिखा देने वाली है। ये जो इसका डायनेमिक आइलैंड है वो आपको कंटेंट देखते वक्त निराश करेगा। और एक मैं आपको फैक्ट बता दूं कि डिस्प्ले आपको वीवो की ज्यादा अच्छी लगने वाली है, ज्यादा अच्छे कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स दिखते हैं, डिस्प्ले और ज्यादा ब्राइट फील होती है एज कम्पेयर टू आईफोन के। आईफोन की डिस्प्ले एकदम फ्लैट डिस्प्ले है, इसकी डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले है जिसकी वजह से ज्यादा फ्लेक्सिबल फील आने वाली है, ज्यादा रिच फील आने वाली है। एट द सेम टाइम डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से कॉन्टेंट कंज्यूम करने में बिल्कुल मजा आएगा। और जब हमने दोनों ही फोन का साइड बाई साइड साउंड टेस्ट किया तो आईफोन का साउंड बहुत ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू वीवो, आपको बताता हूँ। आईफोन का साउंड ज्यादा क्लियर है, एट द सेम टाइम ज्यादा बेस फील होता है एज कम्पेयर टू वीवो। बाकी लाउडनेस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। और बात करें दोनों की ही ताकत की तो इनके अंदर दोनों में ही फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं। एप्पल के अंदर खुद की A16 बायोनिक चिप है और वहीं वीवो के अंदर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 जो मीडियाटेक का सबसे ज्यादा लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। अब ये जो A16 बायोनिक चिप है ये लास्ट ईयर की है, लेकिन आपके होश तब उड़ जाएंगे जब आप इनकी रैम को सुनोगे। इसके अंदर 6GB की रैम मिलती है, वहीं इसके 16GB की रैम मिलती है और आप एक्सपेंड करके 32GB तक लेके जा सकते हैं। अब वैसे तो दोनों ही फ्लैगशिप फोन है और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच की है, लेकिन एक नंबर देखने के लिए हमने दोनों में ही अंततः बेंचमार्क स्कोर रन किए तो वीवो का 2 मिलियन प्लस आता है, मतलब 20 लाख से ऊपर, और वही आईफोन का 13 लाख समथिंग आता है। तो ये बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू वीवो के। और दोनों की गिगबेंच स्कोर भी अलग अलग है, सिंगल कोर स्कोर में आईफोन आगे है तो मल्टी कोर स्कोर में वीवो आगे। और अब हमें देखना था कि रैम मैनेजमेंट किसकी ज्यादा अच्छी है, कौन सा ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में सबसे ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करता है, तो हमने दोनों के ही बैकग्राउंड से ऐप्स को रिमूव कर दिया और अब दोनों के ही अंदर सेम टाइम पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खोलते हैं। तो ऑब्वियसली वीवो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू आईफोन के, और ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 कई बार स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 जो एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है उसको भी टक्कर दे देता है। तो भाई A16 बायोनिक तो उससे भी पीछे का है। तो दोनों में ही साइड बाय साइड BGMI खेलते हैं। तो वीवो में हमें मैक्सिमम HDR पे अल्ट्रा मिलता है और स्मूथ पे अगर आप जाओगे तो आपको 90 FPS मिल जाएगा। वीवो की स्मूथनेस काफी अच्छी फील हो रही है और साथ ही में कोई भी हीटिंग नहीं है, मतलब हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा किया वीवो ने। और स्मूथ लगने का सीधा सा रीजन ये है कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है और आईफोन 60 हर्ट्ज को लेके आता है ओनली। आईफोन में सेटिंग्स थोड़ी सी बेटर मिलती हैं, यहाँ पे अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा पे आप गेमिंग कर सकते हो। आईफोन की डिस्प्ले छोटी होने की वजह से कंट्रोल थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन डिस्प्ले छोटी है इसकी वजह से आपको थोड़े मजे कम आएंगे। तो गेम प्ले दोनों का अच्छा है लेकिन वीवो का स्मूथ ज्यादा है और हीटिंग दोनों के अंदर ही नहीं है। और रैम एंड स्टोरेज में भी वीवो थोड़ा सा आगे है क्योंकि इसके अंदर बेस वेरिएंट में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है। ऑल्दो iOS और एंड्रॉइड की रैम का भी कंपेयर आप कर ही नहीं पाओगे, बट स्टिल 256GB स्टोरेज और इसके अंदर 128GB बेस वेरिएंट। ये वीवो मैक्सिमम 1TB वेरिएंट तक जाता है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम आपको 512GB स्टोरेज मिलेगी अगर आप वहां तक पहुंचे तो। अब डिजाइन एंड परफॉर्मेंस के बाद जिस चीज को इंसान सबसे ज्यादा तवज्जो देता है वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, कैमरा की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो वीवो के अंदर मिलता है फंटेज OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 और वहीं आईफोन के अंदर है iOS 17। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल लेटेस्ट है, दोनों के एडवांटेज अपनी अपनी जगह है। जैसे आईफोन में आप दो फिंगर्स के साथ एक साथ स्क्रॉल करते हुए मल्टीपल मैसेजेस को एक ही बार में सिलेक्ट कर पाओगे, और वहीं वीवो में आप काइनेटिक वॉलपेपर के जरिए अपनी हेल्थ बना सकते हो। आपको सिंपली ये वाला वॉलपेपर लगाना है और आप जितने स्टेप्स इसमें सिलेक्ट करोगे आप अपने दिन में जैसे जैसे उनको पूरे करते जाओगे ये फूल खिलता जाएगा और आपकी हेल्थ का फूल भी वैसे ही खिल जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्स भी दोनों के अंदर अलग अलग है। आईफोन में सिर्फ फेस आईडी मिलती है जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, लेकिन वीवो के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही मिलते हैं जो फास्ट होने के साथ साथ सिक्योर भी। अब बात करते हैं इन दोनों की ही कनेक्टिविटी की। दोनों फ्लैगशिप हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर 5G भी आएगा और भर भर के बैंड्स भी आएंगे, लेकिन हमको कंपेयर करना है, देखना कौन सा ज्यादा बेटर है। तो वीवो वाईफाई 7 को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है और साथ ही में 5G के 11 बैंड है, लेकिन बैंड्स में आईफोन आगे है, इसमें 22 5G के बैंड्स है। लेकिन वहीं जब डेटा ट्रांसफर
के लिए आओगे तो इसमें USB 3.2 टाइप मिल जाता है जो बहुत ज्यादा फास्टली डेटा ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ USB 2.0 है और साथ ही में Wi-Fi 6 है और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कम है और Vivo के अंदर आगे हैं। Vivo हो या iPhone, इन दोनों फोनों की एक चीज कॉमन है और वो है कैमराज, क्योंकि एक में बहुत कमाल के पोर्ट्रेट्स हैं तो दूसरे में बहुत कमाल की डिटेल्स हैं। उससे पहले कि मैं इनके स्पेसिफिकेशन बताऊं, दोनों ही फोनों को हमने अलग अलग लोकेशन पे बहुत बार टेस्ट कर रखा है। Vivo के साथ मैं पूरा का पूरा हांगकांग घूम लिया हूं, तो इससे हमने बहुत सारी फोटोज लिए हैं जो आप वन बाय वन देख सकते हो। साथ ही में आईफोन 15 को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, तो डे टू डे लाइफ में जितने भी फोटोज हमने लिए हैं वो आप साइड बाय साइड देख लो, जिससे आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, बस इनकी कैपेसिटी को जज कर सकते हो। लेकिन अब चलते हैं इनके स्पेसिफिकेशन पे। Vivo में 3 कैमराज हैं और तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल विद OIS, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो सेंसर। वहीं आईफोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने मेन प्राइमरी कैमरा से दोनों ही फोनों से ली हैं, जिसमें ये वाली पिक्चर देखो, इसमें आपको जैकेट के ज्यादा रियल कलर्स आईफोन में दिखाई दे रहे हैं, Vivo रियल कलर्स नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड है तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन को पिक करेंगे, बट एक चीज फैक्ट है कि आजकल नेचुरल कलर्स किसी को पसंद नहीं होते। ऐसी फोटो आनी चाहिए जो रेडी टू अपलोड हो, ना कि पहले उसको एडिट करो और उसके बाद अपलोड करो। दोनों से ही हमने पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी ट्राई की और दोनों ने ही बहुत नेक टू नेक काम किया है, लेकिन ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स Vivo के हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं और साथ में कलर्स भी बहुत ही कमाल के प्रोड्यूस करता है। ये कुछ पिक्चर्स हांगकांग की आपके सामने हैं जो हमने पोर्ट्रेट मोड में, नाइट में, डे में, अलग अलग टाइम पे क्लिक की है और सच में इन पिक्चर्स की क्वालिटी इतनी कमाल की है कि इनको हैपन, टिंडर, बंबल कहीं भी अपलोड कर दो, डायरेक्ट राइट स्वाइप से आएंगे। लेकिन अल्ट्रा वाइड में Vivo थोड़ा सा वाइड सी कर देता है इमेज को, यहाँ पे Vivo को थोड़ा सा वाइट बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा Vivo का है एज कम्पेयर टू आईफोन। और अब बारी आती है टेलीफोटो सेंसर की। पोर्ट्रेट्स हो से टेलीफोटो हो, Vivo अलग ही लेवल पे काम करता है। सबसे पहले ये पिक्चर है एक अल्ट्रा वाइड की, अब ये पिक्चर 1x की एंड देन 2x और ऐसे ही आईफोन मैक्स 10x तक जा सकता है और Vivo बढ़ते हुए डायरेक्टली 100x तक जाता है, जिसमें ये है 20x, 60x एंड 100x। तो 10x जूम में भी Vivo की क्लियरिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है एज कम्पेयर टू आईफोन। और अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है तो Vivo ही काम आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कोई टेलीफोटो सेंसर है ही नहीं। और जब हमने नाइट मोड इसमें ट्राई किया तो डेफिनेटली Vivo की जो फोटो है वो स्मूथनेस के चलते ज्यादा बेटर निकलती है। इस पिक्चर में जब जूम करोगे आपको हेयर ज्यादा अच्छे से विजिबल होंगे Vivo में, वहीं आईफोन में इतनी विजिबिलिटी नहीं है। ये दोनों ही 4K 60 fps के अंदर चल रहे हैं और किसको कितना अच्छा मार्क करोगे ये आप देख लो। दोनों में ही मैं दौड़ के आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इवन बैक कैमरा से ये हम देख रहे हैं कितना अच्छे से फोकस कर पा रहा है, ये देख लो। थोड़ा सा वीडियोग्राफी में डेफिनेटली आईफोन की कोई टक्कर कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका माइक भी ज्यादा बेटर है, इसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी ज्यादा बेटर है और इसके अंदर फोकसिंग पावर भी ज्यादा बेटर है। हाँ, Vivo में भी कलर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बट स्टिल आईफोन से जब कंपेयर करोगे तो आईफोन ही आगे निकलता है। और दोनों ही फ्लैगशिप फोन होने की वजह से इनसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हर कोई इंसान जो इन पे लगभग 1,00,000 रुपए लगा रहा है वो डेफिनेटली अपनी वीडियोस तो रिकॉर्ड करेगा ही। तो ये 8K 30 fps तक जाता है, लेकिन वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। सेल्फी कैमराज पे आए तो Vivo 32 मेगापिक्सल की सेल्फी को लेके आता है और ये महज 12 मेगापिक्सल को, फिर भी ज्यादा डिटेल्स जो है वो आपको आईफोन में नजर आएंगी, ऑल्दो ज्यादा आई कैची फोटोज Vivo कैप्चर करता है। लेकिन सेल्फी कैमराज में अगेन वीडियोग्राफी में ये आईफोन ही आगे जाएगा, 4K 60 fps में रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें आराम से आप व्लॉग वगैरह भी कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ 1080 60 fps को सपोर्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ 32 मेगापिक्सल का सेंसर। और जब आप ग्रुप सेल्फीज कैप्चर कर रहे होंगे तब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आईफोन के साथ, जब आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करोगे, ये 2 से 3 लोग जब होंगे किसी ना किसी एक इंसान को ब्लर कर ही देगा, लेकिन Vivo के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोगों को फोकस में रखता है और अच्छे से सबकी सेल्फी कैप्चर कर देता है, लेकिन यहाँ पक्का एक तो जाएगा। अब फोन चाहे एंट्री लेवल के हो, मिड रेंज के हो या फिर फ्लैगशिप फोन, लेकिन इन सबके साथ से चलाने के लिए जरूरी होती है एक बैटरी। दोनों ही फोनों के अंदर बहुत ही मैसिव डिफरेंस है बैटरी का। यहाँ पे Vivo लेके आता है X सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी को, 5400 5400 की बैटरी है विद 100 वॉट ऑफ फास्ट चार्जर विद 50 वॉट ऑफ वायरलेस चार्जिंग और इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। वहीं आईफोन लेके आता है 3349 mAh की बैटरी और साथ में 25 वॉट का चार्जिंग अडैप्टर, वो भी साथ में आता नहीं है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, सपोर्ट है सिर्फ इतना, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है और आईफोन के अंदर कोई भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती ही नहीं है। लेकिन नंबर साफ सीधे दिखा रहे हैं कि Vivo बहुत आगे है एज कम्पेयर टू आईफोन के
इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड चार्ज। अब बात करें कंक्लूजन की, तो दोनों ही फोन बहुत ही अलग अप्रोच के साथ आते हैं और बहुत ही अलग लोग इनको खरीदते भी हैं। एक iOS जिसके साथ एप्पल का लोगो लगा है, तो जो इंसान ब्रांड कॉन्शियस है वो डेफिनेटली इसी को लेगा, और जो फीचर से प्यार करता है, कुछ नया नया ट्राई करना चाहता है, वो डेफिनेटली वीवो के साथ जाएगा। अगर आप फोटो ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली वीवो को कंसिडर कर सकते हो, और वीडियो ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली आईफोन को कंसिडर कर सकते हो। बाकी कॉन्टेंट कंज्यूम करने में भी वीवो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा एज कम्पेयर टू आईफोन के, लेकिन आईफोन थोड़ा सा हैंडी निकल जाता है, तो वो सिंगल हैंड यूज करना ज्यादा ईजी हो जाता है। तो आप अपने अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर है। मैंने आपको हर कैटेगरी बता दी है कि किसमें कौन सा विनर है और कौन सा लूजर। एंड यस, अगर आपको ज्यादा अच्छी बैटरी, ज्यादा अच्छी चार्जिंग, साथ में ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो अगेन वीवो को आप कंसिडर कर सकते हो। अगर वीडियो यहीं पे खत्म जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए। We'll be right back.